हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले सीएसएफ के फुल फॉर्म के बारे में और उसके बारे में बहुत कुछ डिटेल में जानेंगे, जैसे कि सीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएसएफ को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सीएसएफ की स्थापना कब हुई, सीएसएफ का काम क्या होता है, सीएसएफ को ज्वाइन करने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सीएसएफ को ज्वाइन करने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, और इसके बारे में कुछ जानने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें सीएसएफ की फुल फॉर्म की, तो वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और इसके हम स्थापना की बात करें तो सीएसएफ वॉज इस्टेब्लिश इन ईयर 1969, यानी कि सीएसएफ का स्थापना सन 1969 में हुआ था। अगर आगे हम इसके काम की बात करें, सीएसएफ का काम, तो फ्रेंड्स द मेन वर्क और द मेन एम ऑफ सीएसएफ इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑन पोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंड ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंट इन आवर कंट्री। यानी कि सीएसएफ का जो मेन काम होता है वो बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्री हैं, औद्योगिक हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, यानी कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर सीएसएफ टू जॉइन सीएसएफ और फॉर सीएसएफ। तो फ्रेंड्स, द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर सीएसएफ इज 10th पास। इफ़ यू आर 10th पास, यू कैन एबल टू जॉइन सीएसएफ। But if you want to get a higher position and get more power, you must have a bachelor degree. यानी कि सीएसएफ को ज्वाइन करने के लिए मिनिमम आपकी शैक्षिक योग्यता 10 पास होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अधिक ऊँचे पोस्ट पर जाना चाह रहे हैं और अधिक पावर हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको बैचलर डिग्री कम से कम चाहिए होता है। आगे हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो फ्रेंड्स जो सीएसएफ को ज्वाइन करने के लिए एज क्राइटेरिया है वो है 18 से 23 साल। अगर आपकी उम्र 18 साल से 23 साल के बीच में है और आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सीएसएफ। बट और इसके अतिरिक्त ये वो एज रिलैक्सेशन भी मिलता है अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में हम कमेंट करके बताइए हम अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।